नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुधा अरोड़ा द्वारा लिखी हुई कहानी करवा चौथी औरत। घर में कुतिया और कंप्यूटर एक साथ आए थे, इसलिए सबने लकदक भूरे रोयदार बिलौटी सी चमकती आंखों वाली कुतिया का नाम एक मत से फ्लॉपी रख दिया था। आज करवा चौथ का व्रत था और फ्लॉपी सो रही थी। अक्सर बस वह 5 बजे ही सविता को उठा देती है, पर उसने आज उसे 6 बजे उठाया जब सूरज की रोशनी आसमान पर फैल चुकी थी। सर्गी का वक्त निकल चुका था। हर साल की तरह इस बार भी सुबह सर्गी खाने के लिए सविता की नींद नहीं टूटी थी। वैसे अक्सर वह उठ भी जाती थी तो सिर्फ एक प्याला चाय पी लेती थी। करवा चौथ का व्रत रखने वाली दूसरी सुहागिनों की तरह पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए सारे दिन के निर्जला उपवास की तैयारी में सुबह सूरज उगने से पहले कमर कसकर पूरी सब्जी या भरमा पराठे का भर पेट नाश्ता उसके लिए असंभव था। इधर फ्लॉपी ने अपने अलसाए हुए भूरे रुओं को स्पेनिश नृत्य की लय में झटकार कर सुबह होने का ऐलान किया। उधर सविता ने खीज में अपना सिर झटक दिया। अब सारा दिन चाय की तलब सताएगी। चल फ्लॉपी आ जा, वह होठों में बुदबुदाई तो फ्लॉपी चौकन्नी होकर उचकी। दोनों सड़क पर थे। फ्लॉपी गले में पट्टा पहनने की आदी नहीं थी। दूसरे पालतू कुत्तों की तरह वह लीश में बंधी बंधी मालिक के पीछे पीछे दुम हिलाती नहीं चलती थी। उसके कदम आजाद थे और वह सविता के आगे आगे मन चाही राह पर इतराती हुई चलती थी। बीच बीच में सिर घुमाकर देख लेती कि सविता पीछे आ रही है या नहीं। यह गली यह इलाका उसकी बपौती था। अपने क्षेत्र में किसी दूसरे कुत्ते का आना उसे बर्दाश्त नहीं था। यहाँ तक कि सड़क पर एक कौवा देखकर भी वह शेरनी की तरह दहाड़ती, हिरनी की तरह कुलांचे भरकर दौड़ती और कौए को खदेड़कर ही दम लेती। उसके बाद वह शान से सविता की ओर विजेता की मुस्कान फेंकती। फ्लॉपी ने सुबह का अपना क्रियाकलाप समाप्त किया तो सविता ने लौट चलने का सिग्नल दिया। फ्लॉपी ने आनाकानी की, फिर एहसान जताती सविता के ढीले कदमों से बेपरवाह फलांगती घर पहुंच गई। निर्जला व्रत शाम तक निढाल कर देता है, इसलिए सविता ने दोपहर 12 बजे ही रात का खाना भी तैयार कर ढांप ढूंप कर रख दिया। फ्लॉपी को भी आज शाकाहारी भोजन मिलेगा। सविता ने चावल में सब्जियां उबालकर उसका खाना तैयार कर लिया। फ्लॉपी इठलाती हुई आई और दही पुलाव के सात्विक भोजन को शूं शूं कर सूंघती हुई आखड़ी हुई पूछ के साथ कोप भवन में जाकर बैठ गई। सविता की दो बेटियों की पंक्ति में यह तीसरी नकचड़ी बेटी थी। नखरे मत कर, आज तुझे यही खाना मिलेगा, सविता ने उससे कहा। नहीं खाना? ठीक है, बैठी रह, जब भूख लगेगी ना अपने आप खाएगी। फ्लॉपी ने तिरछी नज़र से सविता की ओर देखा और कैटरपिलर की तरह हाथ पैर समेट कर जमीन पर मुंह टिकाकर पसर गई। शाम को दोनों बेटियां स्कूल से लौट आईं। दोनों ने उसे पुचकारा। हाय स्वीटी पाई, व्हाई डिडंट यू ईट? छोटी ने खाना देखा तो नाक भौं सिकोड़े। मम्मा, आप इसे घास फूस खाने को क्यों देते हो? हाउ कैन शी ईट दिस रोटन फूड? फिर फ्लॉपी को गोद में लेकर पुचकारा। ओह माय डार्लिंग, यू आर सो हंग्री, व्हाट अ पिटी। अपने पापा के लौटते ही बेटियां शिकायत का पुलिंदा लेकर हाजिर हो गईं। पापा देखो ना, मॉम इज टॉर्चरिंग पुअर लिटिल सोल, सविता ने हंसकर कहा। आज फ्लॉपी ने भी मेरे साथ करवा चौथ का व्रत रखा है। व्हाट रविश, यू कांट बी सो क्रूएल, बौखलाते हुए साहब मजबूत कदमों के साथ रसोई में दाखिल हुए। डीप फ्रीजर से फ्लॉपी का मनपसंद पोर्क मिस्ट निकाला, डिफ्रॉस्ट किया और गैस पर चढ़ा दिया। फ्लॉपी ने सविता को चिढ़ा चिढ़ा कर चटकारे ले लेकर खाना साफ किया और हमेशा की तरह सविता की साड़ी से मुंह रगड़ कर पहुंच लिया। छोटी बेटी ने फ्लॉपी को शाबाशी दी। गुड गर्ल, दैट्स द पनिशमेंट, मम्मी की करवा चौथ स्पेशल लाल साड़ी खराब कर दी। बड़ी बेटी ने पापा की ओर से फरमाइश की। फ्लॉपी को तो पापा ने खिला दिया, अब आप पापा के लिए थोड़े से चिप्स फ्राई कर दो। प्लीज मामा, हमें भी भूख लगी है, सविता उठी और सूखते गले को थूक निगलकर तर करते हुए आलू के चिप्स तल दिए और सिर पकड़कर लेट गई। यह सर्गी में चाय न पीने की सजा थी। सूरज जब शाम को ऊब डूब हो रहा था, सविता ने सब लाल गुलाबी साड़ियों वालियों के साथ वृत्ताकार बैठकर पूजा की। जब सब हाथ जोड़कर बैठी थी, फ्लॉपी ने धीरे से दायां पंजा बढ़ाकर पूजा की थाली का लाल कपड़ा सरकाया और कागजी बादाम के दो दाने मुंह में सटक लिए। सविता सूखे गले से कुकुआई तो
तो छोटी बेटी फ्लॉपी को नवजात बच्चे की तरह दोनों बाहों में समेटकर भीतर ले गई। फ्लॉपी पर हैंडल विथ केयर का लेबल लगा था। कुछ भी कहना बेकार था, घर में फ्लॉपी के साथ खून माफ थे। इस बार पक्की चौथ थी, चांद देर से निकलने वाला था। मेज पर ढका हुआ खाना सबने गर्म किया, स्वाद ले लेकर खाया और खाते खाते चांद के ना निकलने को लेकर परेशान होते रहे। आखिर चांद निकला। सविता ने जाली की ओर से चांद देखा, अर्घ दिया और हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, हे गौरजा माता, अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य योनि में जन्म ना मिले तो पशु योनि में मुझे किसी घर की पालतू कुतिया बना देना, ताकि मैं करवा चौथ के दिन अपना जूठा मुंह किसी सुहागन की लाल साड़ी से पहुंच सकूं। दरवाजे पर बैठी फ्लॉपी ने अघाई नजरों से सविता की ओर देखा और जीभ बाहर निकालकर लार टपकाती हुई अधमुदी आंखों से ऊँगने लगी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सुधा अरोड़ा द्वारा लिखी हुई कहानी करवा चौथी औरत। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।